Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Rubina Malik. I hope you all are doing well. So today I'm going to make a sponge cake. ये जी मेरे एक स्टूडेंट हैं, उनकी मदर ने रिक्वेस्ट की थी कि मैं उनको ये वाला केक बनाना सिखा दूँ, तो इसलिए मैं आज ये केक बना रही हूँ। वैसे भी काफ़ी टाइम से हमने केक नहीं बनाया था। लास्ट हमारे घर में बर्थडे गुजरी थी, आई थिंक मेरी, उसी पर हमने केक बनाया था और उसके बाद से हमने नहीं बनाया। तो इसमें मैं एक कप ले रही हूँ शुगर, मतलब कि चीनी का, एक कप है मैदे का, दो अंडे, ये है जी वनीला एसेंस, इसके जस्ट फ्यू ड्रॉप्स डालेंगे, आधा चम्मच आप कह लें, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो ना डालें। और ये है बेकिंग पाउडर, इसका मैं डालूंगी 1.5 टेबल स्पून, यस 1.5 टेबल स्पून इसमें डलेगा। और इसका जी जो बेकिंग पाउडर है, इसकी जो एक्सपायरी डेट है वो देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक्सपायर्ड बेकिंग सोडा की वजह से मैं अपने बहुत सारे पहले केक ख़राब कर चुकी हूँ। तो आप लोगों ने ये ज़रूर ख्याल रखना है कि जो आपका बेकिंग सोडा, बार बार मैं बोल रही हूँ, दिस इज़ नॉट बेकिंग सोडा, दिस इज़ बेकिंग पाउडर, इसकी जो एक्सपायरी डेट है, मतलब ये एक्सपायर्ड नहीं होना चाहिए। तो अभी हम क्या करेंगे कि वैसे तो एक तरीका ये भी है कि आप इस शुगर को पहले से ग्राइंड करके रख लें पाउडर्ड फॉर्म में, और फिर उसके बाद अच्छे से अंडे फेंट के उसके अंदर आप ग्राइंड हुई भी पाउडर्ड शुगर मिक्स करते जाएं। और दूसरा मेथड इसका ये है, वो मुझे तो बहुत ज़्यादा आसान लगता है, क्योंकि आज जो मैं बना रही हूँ केक, ये मैं विदाउट ओवन बनाऊँगी, और इसमें मैं सारी वो चीज़ें यूज़ करूँगी जो ईजिली हर किसी के घर पे अवेलेबल होती हैं, देगचे में, पतीले में, व्हाटएवर यू मे कॉल इट, उससे बनाऊँगी मैं ये। और जो जूसर मशीन होती है, ब्लेंडर, उसमें मैं ये वाली ये शुगर ले रही हूँ, मतलब किसको मैंने ग्राइंड पहले से नहीं किया हुआ पाउडर शुगर ये नहीं है, उसमें मैं अंडे भी डाल दूँगी, ये शुगर भी डाल दूँगी, तो बस मैक्सिमम 1 मिनट लगेगा और वो आपका बैटर रेडी हो जाएगा। तो पहले वो ब्लेंडर वाला काम कर लेते हैं, उसके बाद फिर आगे देखेंगे कि हमको क्या करना है। ये जी ब्लेंडर के अंदर मैंने डाल दिए हैं दोनों अंडे, और अब इसमें मैं शुगर भी डाल दूंगी और इसको अच्छे से हम ब्लेंड कर लेंगे। मेरा बैटर जो है वो बहुत ही ज़्यादा थिक है, वैसे कुछ लोग तो नहीं डालते हैं, लेकिन मैं इसमें थोड़ा सा, लाइक इतना सा पानी डाल रही हूँ, क्योंकि अभी इसी बैटर के अंदर मुझे मैदा भी मिक्स करना है, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया है। इतना सा मैंने लिया है ऑयल, ये हाफ से भी थोड़ा सा कम है, और इसी ये मैंने मैदा इसमें सारा मिक्स कर दिया। इसी पॉइंट पे मैंने पहले टेबलस्पून कहा था, दिस इज़ नॉट टेबलस्पून, दिस इज़ टीस्पून, एक टीस्पून आपने डालना है इसमें बेकिंग पाउडर का, और साथ में आपने ये जो ऑयल है ये भी डाल देना है, और अब हम इस सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे। अभी ही इसको मिक्स करने के बाद मैं इसमें वनीला डाल दूँगी, एंड देन द बैटरी स्टडी। बस इतना सा मैं ले रही हूँ वनीला एसेंस, ये ऑलमोस्ट 3 to 4 ड्रॉप्स होंगे, इतना ही काफ़ी है। ये बहुत थोड़ा सा चलता है, क्योंकि इसकी जो इसका जो फ्लेवर है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो अब हम इसको भी मिक्स, अगर मैं बैटर डाल के केक बनाऊंगी, इसके अंदर मैंने ऑलरेडी ऑयल डाला है, इसको हम अच्छे से इस कटोरे को ऑयल के साथ ग्रीस करेंगे। ग्रीस मतलब इसकी तीनों साइड्स, इसकी जितनी भी ये साइड्स भी हैं और बेस भी, इसको अच्छे से ऑयल के साथ कवर कर देंगे, उसके बाद इसके अंदर बैटर डालेंगे। और बैटर डालने से पहले इसके अंदर बटर पेपर रखना है, बटर पेपर आपको ईजिली किसी भी बेकरी से मिल जाएगा, अगर नहीं भी मिलता तो आपने कोई भी पेच लेना है, और कटोरे की जो बेस की साइज़ है इसकी शेप ड्रॉ करके उसको कट करके वो भी आप इसके अंदर रख सकते हैं। ओके जी, तो ये मैंने देख चल लिया है, और उसकी बेस को बिल्कुल नमक से कवर कर लिया है। नमक से कवर करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपका देख जा जल के भुन जाएगा, बहुत ख़राब हो जाएगा, मतलब कि ये नमक जो है साफ़ है, केक बनने के बाद भी ये साफ़ रहेगा, आप इसको रीयूज़ कर सकते हैं। मैं इसमें एक स्टैंड रखूँगी जो अभी मैं थोड़ी बाद आपको दिखाऊँगी, लेकिन अगर आपके पास स्टैंड नहीं है तो जैसे ये मेरा बैटर वाला कटोरा है, इसी जैसा कोई कटोरा आप उल्टा करके इसके अंदर रख के उसके ऊपर ये बैटर वाला पैन जो है रख सकते हैं। डायरेक्ट नहीं रखना, क्योंकि डायरेक्ट रखेंगे तो वो जल जाएगा। और जैसे कि अभी आपको बैटर के अंदर बबल्स नज़र आ रहे हैं, इसको हमने टैप करना है ताकि ये बबल्स ख़त्म हो जाएं। अब इसको यहाँ पर हमने 20 मिनट्स प्री हीट करना है, और 20 मिनट्स तक तेज़ चूल्हे पर गर्म करने के बाद हम इसके अंदर बैटर वाला पैन भी रख दें।
इसको 20 मिनट्स हो चुके थे, मैंने बैटर अभी अभी इसके अंदर रखा है 2 मिनट तक के लिए। हम इसको थोड़ा सा तेज चूल्हे पे पकाएंगे, उसके बाद मीडियम पे फॉर 30 मिनट्स। 30 मिनट्स के बाद आपने इसको चेक करना है कि पका है या नहीं। मैं आपको अभी 30 मिनट्स गुजर जाएंगे तो बताऊँगी कि चेक कैसे करना है, और अगर पक्का नहीं हुआ तो 10 मिनट्स के लिए और रखेंगे। वैसे आई थिंक 30 मिनट्स में ये पक जाएगा इंशाल्लाह। जी, तो अब मेरा केक जो है बिल्कुल रेडी हो चुका है। और आपको कैसे पता चलेगा कि आपने लेनी है एक काउंट टूथपिक लेनी है, इसको आपने ऐसे अंदर करना है और फिर बाहर निकालें। अगर इसके साथ ये बिल्कुल क्लीन वापस आए, मतलब इसके साथ कोई भी बैटर लगा हुआ ना हो, तो इसका मतलब है कि आपका केक रेडी हो चुका है। यह आपने मुख्तलिफ जगहों से ऐसे करना है, ये देखें ये बिल्कुल साफ निकल रही है, मतलब इसके साथ कोई भी बैटर लगा हुआ नहीं है। तो थोड़ी देर के बाद जब ये अभी ये गर्म है थोड़ा सा, जब ये बिल्कुल ठंडा हो जाएगा, क्योंकि मैंने अभी अभी इसको चूल्हे से उतारा और मेरा हाथ भी जल चुका है, और फिर जब ये ठंडा हो जाएगा तो फिर केक इस कटोरे में से निकालना आसान होगा, तो उसके बाद भी हम इसको निकाल लेंगे।